फ्रेंड्स, आई एम जितन कुमार सिंह। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th में प्रेस्क्राइब्ड एक पोएम ला बेली डेम सेंस मर्सी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, इसका एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यह पोएम जो है एक कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है पोएट और एक सरदार के बीच में, नाइट के बीच में। तो शुरू इसमें टोटल जो है 12 स्टेंजाज हैं इस पोएम में। शुरू के जो 3 स्टेंजाज हैं उनमें पोएट क्वेश्चन करता है नाइट से, और लास्ट के 9 स्टेंजाज में जो नाइट है वो पोएट को आंसर देता है। देखिए, ये एक रोमांटिक पोएम है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को 2 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक 1 पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट्स में इसका वीडियो बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, देखिए। पोएट नाइट से पूछता है, कहता है, ओ व्हाट कैन आइल दी। आइल मीन्स होता है परेशान करना, कष्ट देना। नाइट सरदार, एट आर्म्स आज मीन्स होता है हथियारों से, शस्त्रों से सुसज्ज सरदार, तुमको किस बात ने परेशान किया है। तुम जो है एलॉन अकेले एंड पेली और बिल्कुल कमज़ोर होकर लॉयटरिंग घूम रहे हो। तुम यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर अकेले यहाँ परेशान होकर क्यों घूम रहे हो। पोएट कहता है, दसेज जो झाड़ी है, हैज़ विदर्ड, विदर्ड में सूख गई है, मुरझा गई है, फ्रॉम द लेक झील के किनारे की, जो झील के किनारे, सर्दी का मौसम आने वाला है और आ गया है लगभग, इसलिए जो झील के किनारे की जो है झाड़ी है वो भी जो है ठंड की वजह से मुरझा गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गा नहीं रहा, यानी सभी पक्षी जो है यहाँ से माइग्रेट हो गए हैं, यानी यहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं। अब यहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ने वाली है। ये फर्स्ट स्टेंजा था। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट फिर पूछता है, ओ अरे व्हाट कैन आइल दी नाइट एट आर्म्स, हे हथियारों से शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुमको किस बात ने परेशान किया है। सो हेगार्ड, हेगार्ड अस्त व्यस्त, तुम इतने अस्त व्यस्त कपड़े क्यों पहने हुए हो। एंड सो वी, वो वीगान, वो मीन्स कष्ट में, वीगान मीन्स व्याकुल हो, तुम इतने कष्ट में क्यों हो, इतना कष्ट में जो है तुम क्यों हो, क्यों तुम परेशान हो। आगे पोइट कहता है, द स्क्वायरल्स ग्रैनरी, जो स्क्वायरल यानी जो गिलहरी है उसकी ग्रैनरी जो है, यानी ग्रैनरी मीन्स होता है गोदाम, यानी जो स्टोर है गिलहरी का वो भी फुल हो चुका है, यानी गिलहरी ने अपने स्टोर को जो है खाने से भर लिया है, जिससे कि वो जाड़ों के दौरान आसानी से खा सके। एंड और द हार्वेस्ट इज डन, हार्वेस्ट फसल इज डन, कट चुकी, यानी फसल जो है किसानों ने अपनी वो भी काट ली है। थर्ड स्टेंजा में पोएट पूछता है कि आई सी, मैं देखता हूँ अ लिली ऑन दाई ब्रो, ब्रो मीन्स माथे पर, लिली मीन्स पसीने की बूंदे, मैं तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदे देख रहा हूँ। विद एंगोइस मास्ट, और एंगोइस मीन्स चिंता से, मॉइस्ट मीन्स भीगा हुआ है, तुम्हारा चेहरा जो है, तुम्हारा जो है वो चिंता से डूबा हुआ है। एंड फीवर ड्यू, और फीवर ड्यू मीन्स पसीने से जो है तुम्हारा चेहरा जो है गीला है। एंड और ऑन दाई चीक्स, तुम्हारे गाल जो है वो अफेडिंग रोज, एक मुरझाए हुए गुलाब की भांति, यानी तुम्हारे गाल जो है, तुम इतने दुखी हो कि तुम्हारा चेहरा जो है बिल्कुल एक मुरझाए हुए गुलाब की भांति दिख रहा है। फास्ट विदर्ड, फास्ट विदर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा तुम परेशान दिख रहे हो। अब फोर्थ स्टेंजा में चलते हैं। फोर्थ स्टेंजा में अब जो है यहाँ से जो नाइट है, अभी तक जो है पोएट क्वेश्चन पूछ रहा था, अब नाइट जो है उन क्वेश्चंस के उत्तर देता है। तो नाइट बोलता है फोर्थ स्टेंजा में, सरदार बोलता है, कहते आई मेट, मैं मिला अ लेडी, एक स्त्री से, इन द मीट्स चरागाह में, मीट्स मीन्स मीडो, चरागाह में, मैं जो है चरागाह में एक स्त्री से मिला, फुल ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो स्त्री, जो थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर थी जैसे कि अ फेरी चाइल्ड, किसी परी की बच्ची हो, ऐसा लग रहा था कि वो किसी परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल जो थे वो लंबे लंबे थे, यानी उसके उस स्त्री के बाल जो थे बहुत लंबे लंबे थे। एंड हर फुट वाज लाइट, और उसकी चाल जो है बहुत मंद मंद थी, बहुत अच्छी चाल उसकी थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आँखें जो थी बहुत
सुंदर थी, बहुत मस्त मस्त सुंदर उसकी जो है आँखें थी। फिफ्थ सिंजा में कहता है पोइट, आई मैंने मेड बनाया अ गार्लैंड, एक हार फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए, यानी उसके सिर में से यहाँ पर गले से संबंध होगा, कि जो है नाइट बताता है कि मैंने उस लड़की के गले के लिए एक सुंदर सा हार बनाया। एंड ब्रेसलेट्स, और ब्रेसलेट्स यानी बाजूबंद, ब्रेसलेट्स मीन्स बाजूबंद, बाजूबंद भी बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और फ्रेग्रेंट मीन्स होता है करधनी बनाई, जो मीन्स जोन मीन्स कमर के लिए, उसकी कमर के लिए एक करधनी बनाई। अब जो है आगे क्या होता है, कहता सी उसने लुक्ड देखा एट मी, मेरी तरफ आए, जैसे कि सी डिड लव, वह मुझे प्यार करती हो, यानी उसने जो है मेरी तरफ इस भाव से देखा जैसे कि वो मुझसे प्यार करती हो। एंड और मेड स्वीट मौन, स्वीट मीन्स बहुत मीठी सी मौन में सिसकी लेती है, उसके बाद वो एक बहुत प्यारी सी सिसकी लेती है। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, अगर आपको अगला वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें प्लीज़, और अगर आप किसी नए टॉपिक पर, किसी ग्रामर के टॉपिक पर आपको, या लिटरेचर के टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।